स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंडो में। मैं अदिति शर्मा आज रूबरू होंगी आपसे और अपनी ऑडियंस को भी करवाऊंगी। जी, तो पहला थैंक मेरा आपसे सवाल रहेगा कि बिग बॉस के घर के अंदर आप गई, किस तरीके की जो है जर्नी रही, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस अच्छा था, शॉर्ट एंड स्वीट बट स्ट्रॉन्ग जर्नी रही। लोगों का बहुत प्यार मिला, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलता है। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई गेटिंग इनटू द हाउस, लेट्स डू इट। और मैं घर के अंदर गई और एक जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड अनमैचेबल एक्सपीरियंस है। और एकदम ट्रू मैन शो एक फिल्म आई थी, उस तरीके का एकदम आपको फील होता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है बट व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड, वियर्ड फीलिंग हैपनिंग आउटसाइड। मैंने आपकी वो पिक्चर्स देखी थी, हम पूरा लाइव देखते थे जब आपको चोट लगी थी गन्ने वाले टास्क में, बहुत ना बुरा लगा था देख के, ऐसा लग रहा था वहां पे बिल्कुल चुपचाप कि कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा और सब लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ चोट लगी है, तो वो कैसा कैसा फील होता था फिर वो सब कर। एक तो ना वहां पे आपका कोई अपना नहीं है, सब पराये से है, और मैं किसी को भी नहीं मिली थी बिग बॉस से पहले, मैं किसी को इन पर्सन नहीं जानती थी। सो एक मैं नहीं कहना चाहूंगी कि खेल को लेके एक ह्यूमैनिटी जहाँ पे लोग लूज कर देते हैं, शायद वो नहीं होना चाहिए। दैट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन आई थिंक। तभी शायद लोगों का मेरे प्रति ज्यादा प्यार था, क्योंकि उन्होंने देखा किस चीज के थ्रू मैं गुजर रही थी। और शायद वो भी जब बाहर निकलेंगे, अभी जब सब बाहर है सबको समझ में आएगा, पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। वही बहुत है आई थिंक। बाकी तो आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, आई हैव गेन्ड ओनली, आई हैव गेन्ड लॉट ऑफ लव एंड दैट हैज मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। तो जिस तरीके से इविक्शन हुआ और जिस तरीके का रीजन दिया गया शो में योगदान नहीं था, तो क्या आपको लगता है ये वाला? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और वो तो कहने की बातें होती हैं, गेम है तो अंदर के लोग ऐसे ही बोलेंगे। एंड जब भी वीकेंड का वार होता था तो सलमान भी हमेशा यही बोलते थे कि आपको हमेशा डॉनली क्यों दिखाई देती है, बाकी और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई यू ऑलवेज टारगेट डॉनल। फरा भी आई थी, उन्होंने भी बोला था। आई थिंक यही बहुत है, बाकी सब लोग गेम खेल रहे थे बट उन लोगों ने मुझे जल्दी इस चक्कर में निकाल भी दिया। बट आई थिंक द मोर बेटर विन इज व्हेन आई गेन लव फ्रॉम पब्लिक, दैट इज माय विन। जिस तरीके से आपने वो टास्क खेला था गन्ने का, वो मतलब देखने में बहुत ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि योगदान नहीं है कि क्या है, तो हमने भी सारे व्यूवर्स भी यही कह रहे उस वक्त कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस टारगेट हो रहे थे आप बहुत बुरी तरह से। हाँ वो लोग मेरे ख्याल से अंदर वाले लोग डर गए थे कि डोनाल्ड ज्यादा देर रह गए तो लोगों का बहुत प्यार मिल जाएगा, कहीं जीत ना जाए। कुछ गलत है ही नहीं, कुछ गलती है ही नहीं, तो किस तरीके से घुमा फिरा कुछ ना कुछ तरीके से टारगेट करते थे। बट ठीक है, आई थिंक दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, बिग बॉस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। आई थिंक आई एम गुड आउटसाइड वर्किंग, अपने प्रोजेक्ट्स में कर रही हूँ और लोग मुझे एज एन एक्टर जाने और मेरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू जाने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ओके, तो जब आप वहां से आए तो उमर रियाज ऐसे कंटेस्टेंट थे जो मतलब लग रहा था दिल से रोए, वो बहुत ज्यादा उनको रोना आ रहा था। समझ में नहीं आया किसके लिए रोना, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई थिंक उनका मुझसे ज्यादा उनका कहना था कि अभी हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, मैंने शुरू किया और अभी वो बाहर चली गई, अब मेरा कोई दोस्त नहीं रह गया ऐसा जिसके जिसके साथ मैं ऐसी बातें करूं। तो अभी आगे क्या, उम्र भी बाहर है तो कुछ उन आपसे हम बिजी हो, मिलने का टाइम होगा, मौका होगा तो मिल जरूर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट
उमर आई थिंक मुझे लगता है पर्सनली कि विधि के लिए रोए थे क्योंकि विधि के साथ वो ज्यादा बातचीत करते थे और बट ही इज अ स्वीट पर्सन और लोगों ने इतना प्यार दिया है वो इतना दिन रहे अंदर वही बहुत काबिले तारीफ है आई थिंक बहुत अच्छी बात है उनको लोगों ने प्यार दिया और इतना तक वो चले. उमर का भी थोड़ा अजीब गरीब कैसे हुआ तो उस पे आपको क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि फेयर तब होता है जबकि ऑडियंस आपको निकालती है, ऑडियंस को आप पसंद नहीं आ रहे हैं तो फेयर होता है. जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे ऑडियंस ने नहीं निकाला, घर के लोगों ने ही निकाल दिया डर के मारे. I'm just being funny on this, but उमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. बाकी यार बिग बॉस के हाथ में है, गेम बिग बॉस का है, वो जो चाहे वही होगा. सो बट वो यहाँ तक पहुंचे आई थिंक यही बड़ी बात है, ये काफी बड़ी बात है कि वो यहाँ तक इतना लंबा पहुंचे. जैसे जनता का प्यार मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है. तो घर में अफसाना आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा था जी, और जी. आपने अफसाना को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है और अब अफसाना के साज के साथ आपका गाना आया है, क्या एक्सपीरियंस है? जी वो वहां पे भी बोलती थी कि ऐसे विश्व सुंदरी करके मुझे हमेशा वो बुलाती थी बिग बॉस के अंदर. वो बाहर आई तो हम लोग मिले और उनका एक गाना था तो शी वाज लाइक कि तुम्हें, उन्होंने मुझे गाना सुनाया मैं जब मिली उनसे तो उन्होंने कहा ये तुम्हें करना है. ओके व्हाई नॉट, अभी दोस्त है तो मैंने जरूर. गाना भी बहुत ही खूबसूरत था, आपने सुना होगा निका, बहुत ही खूबसूरत शूट हुआ है, खूबसूरती से गाया गया है, साज ने गाया है, नसीबो लाल ने गाया है. सो लेजेंड है नसीबो लाल, तो बहुत ही खूबसूरत गाना. एक फ्रेंडशिप का एक वो होता है ना, एक स्टेप अप हो गया कि हम लोग उसके बाद भी वो जो दोस्ती थी बिग बॉस के अंदर की वो बाहर निकल के भी वैसी की वैसी ही है. अभी उसकी शादी है, वो अभी आई थी अपने शादी के कार्ड्स देने के लिए मुंबई और मीटिंग्स के लिए, तो शी स्टेड एट माय होम ओनली, शी वाज लाइक मुझे तेरे साथ ही रुकना है, तो वो यहाँ पे रह के गई है 2 दिन और बहुत मस्ती की हम लोगों ने. आप लोगों ने शायद वीडियोस भी देखे होंगे, डांस वांस कर रही थी वो, मैंने स्टोरीज में डाला था अपना इंस्टा पर. तो ये सब चल रहा है. आई थिंक जो दिल से बॉन्ड होते हैं विदाउट इंटरेस्ट और जिसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होता एक्चुअली, वो बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वैसा ही एक बॉन्ड मेरा और अफसाना का भी बना. हमने घर के अंदर देखा था जब बहुत बुरे तरीके से टूटती थी तो आप उनको संभालते थे, खाना अपने हाथ से खिलाते थे, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था. तो इस तरह से अफसाना का भी एविक्शन जो है वो एक चर्चा का विषय रहा है बाहर, और वो भी बड़े ही अजीब तरीके से हुआ है. ऐसा सोचा नहीं था इस तरीके से विन होंगे बाहर बिग बॉस के घर में. तो फिर बाहर के बात हुई अफसाना से, किस तरीके से वो फील करी थी, किस तरीके से हैंडल किया? देखिए स्टार्टिंग में तो जब वो आई थी तो काफी उन्होंने मुझे सबसे पहले फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है और I told her to relax a bit, game है सिर्फ और क्या. But जब unfair होता है तो बुरा तो लगता ही है, but हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बिग बॉस के अंदर एक गेम शो के अंदर है तो वहां पे जो भी होगा वो बिग बॉस ही डिसाइड करेंगे कि क्या उनके लिए सही है क्या नहीं है, जो कि हुआ. बट हम यहाँ से जो लेके जाएंगे वो रिश्ते ही है जो हम लोग बिग बॉस से लेके जाते हैं. किसी से बन जाते हैं अच्छे रिश्ते, किसी से नहीं बनते हैं. और रही बात अफसाना को संभालने की, तो आई थिंक वो भी हमेशा मुझे ये कहती है कि तू मुझे बहुत समझती है. आई थिंक मैं उन जो बैठ गई है मेरी और उनकी, वो समझ में आ जाता है कि वो जब चुप हैं तो क्यों हैं, खुश हैं तो किस लिए हैं. तो एक वो आपको ना हमेशा एक कोई इंसान चाहिए होता है आपको समझने के लिए. अफसाना को मैं मिली, बट आई विश मुझे भी कोई बिग बॉस के अंदर मिलता जो मुझे समझता. बट नेवरदलेस हम दोनों का एक सिस्टरली बॉन्ड जो बना बिग बॉस के अंदर, उन्होंने भी मुझे समझा, हम लोग साथ में थे,
और अगर ये दोस्ती बिग बॉस के अंदर और फ्लरिश होती तो शायद बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस को एक सिस्टर बॉन्ड जो होता है वो देखने के लिए मिलता, जो कि आज हम लोग बाहर हैं वो कर रहे हैं, बट लोगों के लिए और मजेदार शायद बन जाता कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है बिग बॉस में, टू गर्ल्स कैन बी लाइक सिस्टर्स ऑल्सो. भारी पड़ सकते थे सब पे, बहुत भारी तो... पड़ सकते थे, इसीलिए तो निकाल दिया. अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने वाले हैं, कुछ म्यूजिक वीडियोस, गाने, किस तरीके के? जी, मैं एक साउथ फिल्म मैंने अभी कंप्लीट की है, डेयर टू स्लीप, तो वो आप जल्द ही पर्दे पर देखेंगे, कंप्लीट हो चुकी है, बस पोस्ट प्रोडक्शन में है. एक मैं वेब सीरीज करने जा रही हूँ भोपाल फेब में ही, सो वो है, और कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं जो लाइंड अप हैं, तो बस चीजें चल रही हैं, कुछ शूट हो चुके हैं बट वो रिलीज होंगे, सो जब वो चीजें रिलीज होंगी ऑफिशियली तो आपको लोगों को पता चलेगा. बिग बॉस के घर के अंदर आप गई थी, विनर के बारे में आपका क्या कहना है? जो विनर बनी है काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है, और लोग कह रहे हैं कोई कह रहे हैं डिजर्व नहीं कर रही, आपको क्या लगा, आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जब मैं बिग बॉस के अंदर थी तो मेरी क्या राय थी और मुझे क्या फील हुआ मैंने उस टाइम सब बताया है. उस टाइम का जो मेरा मेमोरी है उसको मद्देनजर रख के अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगा दैट मुझे लगता है प्रतीक वॉज मोर डिजर्विंग, क्योंकि मैं सबके साथ रह चुकी हूँ, तो प्रतीक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसको कुछ चाहिए नहीं अपने साथ, और एक ऐसा बंदा जो कि कुछ नहीं से कुछ बन गया और लोगों का इतना प्यार मिला बिग बॉस के थ्रू, बाकी लोगों को तो सब जानते थे ना. Yes, और yes. किसी ऐसे इंसान को अगर पब्लिक जिताती तो शायद एक बिग बॉस की हिस्ट्री में अलग ही नाम होता, बट शायद कि मैंने बिग बॉस देखा नहीं, उसके बाद क्या हुआ और लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया ये तो लोग ही जानते हैं, मैं उतना फॉलो नहीं कर पाई थी, बस टिडबिट्स इंस्टाग्राम पे जो मैं देख रही थी वही देख पाई. अभी बिग बॉस ने अगर लिया है ये डिसीजन, लोगों ने ये डिसीजन लिया है, बिग बॉस ने वोट्स देखे हैं, तो अब जनता की आपकी जर्नी होता है ना, कुछ होते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा आपकी जर्नी का, नॉट जर्नी नॉर्मल जर्नी का कोई जर्नी के बहुत सारे किस्से हैं. मेरी जर्नी 6 साल की मुंबई में आना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, और बट जब मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम पहुंची तो मुझे ऐसा लगा दैट दिस बिलोंग्स टू मी, मतलब उसकी मुंबई की एयर, मुंबई का मतलब सब कुछ एनवायरमेंट जो था, मुझे ऐसा लगा मुंबई बिलोंग्स टू मी. और इनिशियली मैं आपको बताऊं एक किस्सा, मैं शाहरुख खान के घर के सामने, मैं उस टाइम मीडिया में थी और एक कोई पीटीसी देने के लिए शाहरुख के घर के सामने, वो टाइम्स में बहुत ही रिच सेलिब्रिटी इन टाइम्स, मुझे ऐसा कुछ मैगजीन में उनका नाम आया था, रिचेस्ट पर्सन तो या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन समथिंग लाइक दैट, तो एक पीटीसी देना था, तो मैं इनके घर के बाहर गई, मैं गाड़ी से निकली अंदर कैमरा, तो वन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक 8-10 लोग मेरे आसपास की, आप एक्टर है ना, आप एक्टर है ना, आपके साथ फोटो क्लिक करवानी है. माय सेकंड डे इन मुंबई, आई वाज लाइक ओके, आई यूज्ड टू गेट सम साइंस, थोड़े बहुत मुझे कभी शाहरुख मिलेंगे तो उनको जरूर बताऊंगी कि ऐसा मेरे साथ हुआ था ना, इवेंचुअली आई बिकेम एक्टर. डोनल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए, और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको, सारी मीडिया को जो भी हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा इतना मुझे प्यार दिया है, मैं ऑडियंस को हमेशा बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बहुत सारा दिल से शुक्रिया.
ओके डोनल्ड सो मच.